झारखंड फुटबॉल संघ के तत्वाधान में धनबाद जिला फुटबॉल संघ द्वारा अंडर 17 भारतीय महिला टीम गठन हेतु 2 दिवसीय स्काउटिंग ट्रायल कैंप का आयोजन रेलवे स्टेडियम धनबाद में किया गया। प्रतिभावान होनहार महिला खिलाड़ियों का चयन करने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से सिलेक्टर एलेक्स, झारखंड फुटबॉल संघ के महासचिव गुलाम रबानी की मौजूदगी रही। वहीं रेलवे स्टेडियम में जिले के विभिन्न इलाकों से पहुंचे महिला खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। मीडिया से बात करते हुए महासचिव एवं सिलेक्टर एलेक्स ने कहा कि ट्रायल में उन महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है जिनकी उम्र जनवरी 2005 से दिसंबर 2007 के बीच है। सभी खिलाड़ियों का आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी जमा ली गई है। भारतीय टीम में सिलेक्ट होने के लिए खिलाड़ियों के अंदर स्पष्ट विजन, शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस के साथ साथ उनके अंदर फुटबॉल के प्रति जज्बे का भी आकलन किया जा रहा है। सर, चयन करने आए हैं तो क्या कुछ चयनित करना है यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनमें? अभी हम लोग देखने आए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, गवर्नमेंट का और आपका स्टेट फेडरेशन का कोशिश है कि अच्छा से अच्छा प्लेयर ढूंढ के हम लोग नेशनल टीम में लेके जाएंगे। उन लोग को अच्छा से जो फुटबॉल में अच्छा सुविधा और अच्छा एक्सपोजर मिलने की कोशिश करेंगे। और मेन बात तो ज़्यादा कुछ चेंज तो होता नहीं, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा जैसा वो लोग नेशनल टीम में आएगा। एक एक्सपोजर जो सबकी कोशिश है इंडिया के लिए खेलने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो कुल कितने खिलाड़ियों को चयनित करना धनबाद से, कुछ टारगेट है या फिर? ऐसा कुछ टारगेट नहीं रहता है, ये ऑल इंडिया के लिए ऐसा टारगेट नहीं रहता। जो अच्छा प्लेयर है हम लोग देख के वो लोग को सेलेक्ट करके टीम में रखने की कोशिश तो वही है। पूरा धनबाद के लिए ही नहीं, पूरा इंडिया के लिए है ये सिलेक्शन। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एरिया से हम लोग जाते हैं सिलेक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आ जाए उधर। ये अंडर 17 वर्ल्ड कप होनी है, उसी के लिए सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है बच्चियों का अंडर 17 की। 2004 से लेके 2005-06-07 की लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हम लोग 22 मैन होना है वर्ल्ड कप। तो उसका कैंप भी हमारे झारखंड में है, टाटा में हो रहा है। तो ये लड़कियाँ सेलेक्ट होंगी तो जो झारखंड से होगी, ऐसे ऑल ओवर इंडिया हो रही है लेकिन हमारे झारखंड धनबाद में हो रही है। तो जो सेलेक्ट होंगी लड़कियाँ, ऐसे 4 लड़कियाँ पहले से भी सेलेक्ट हो चुकी हैं जो कैंप में है रिमेनिंग, और आज सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है उसमें से कुछ बच्चे जाएंगे क्योंकि इंडिया के भारत का लड़की है। अभी इन बच्चों को कितना पड़ाव पार करना होगा, मतलब कि ये इंटरनेशनल खेलने के लिए ये सेलेक्ट जब हो जाएंगे ना, कैंप में रहेंगे एंड तक। फाइनल टीम जो बनता है 22-23 का, वो बाद में फाइनल टीम जब जाएगी तो बनेगी। सर, अपना पूरा परिचय? मैं गुलाम रब्बानी, सेक्रेटरी झारखंड फुटबॉल एशिया।